श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्यतन सिंह जी हम सभी के प्रेरक और मार्गदर्शक हैं। बाड़मेर के रामदेरिया गांव के ठाकुर बलवंत सिंह महेचा एवं ममतामयी माता श्रीमती मोती कंवर जी सोढ़ा के पुत्र के रूप में 25 जनवरी 1924 को अपने ननिहाल बैर सियाला गांव में आपका जन्म हुआ। लगभग 4 वर्ष की उम्र में आपके पिताजी का देहावसान हो गया। ममतामयी माता जी ने अनेक कष्ट उठाकर उनका लालन पालन किया। छोटी सी आयु में बाड़मेर में अकेले रहकर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1942 में जोधपुर स्थित चौपासनी विद्यालय से मैट्रिक किया। तत्पश्चात झुंझुनू जिले के पिलानी में स्थित बिरला कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर नागपुर से वकालत की पढ़ाई की। बाड़मेर आकर वकालत प्रारंभ की। यहां 1949 में बाड़मेर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 1952 के आम चुनावों में मात्र 28 वर्ष की आयु में बाड़मेर से राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए विधायक चुने गए। वह कुछ समय के लिए संयुक्त विपक्ष के नेता भी रहे। 1957 में पुनः विधायक चुने गए। 1962 व 1977 में बाड़मेर जैसलमेर जैसे संसार के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 1967 में स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया और अपने अनेक साथियों को रोजगार उपलब्ध करवाया। 1946 से 1954 तक और 1959 से 1969 तक उन्होंने संघ प्रमुख का दायित्व निभाया। 1969 से 1979 तक श्रद्धेय नारायण सिंह जी को संघ प्रमुख का दायित्व सौंपकर स्वयं ने संरक्षक की भूमिका अंगीकार की। राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, किसान, वकील, समाज सेवक आदि विभिन्न भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभाना पूज्य तन सिंह जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचायक है। इतनी व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं। संघ शक्ति पुस्तिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। गद्य, पद्य, डायरी, पत्र लेखन आदि के रूप में उनके लेखन में उनकी अद्भुत प्रतिभा के दर्शन होते हैं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के रूप में समाज को अनुपम भेंट देने वाले पूज्य तन सिंह जी की लौकिक देह का देहावसान 1979 की 7 दिसंबर को हुआ।